घायल में फोन पर मांगी 80 लाख रुपए की राशि, नहीं देने पर जान से मारने की दी धमकी। तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जशपुर एवं झारखंड के गुमला जिले में आतंक का पर्याय बन चुके इश्तियाक उर्फ नागेश्वर को जशपुर पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। एसपी शंकरलाल बघेल ने आज मामले का खुलासा किया है। एक सप्ताह पहले शिवालय कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट मैनेजर को 80 लाख रुपए वसूली के लिए फोन में इश्तियाक उर्फ नागेश्वर के धमकी देते हुए पैसे देने या काम बंद करने की धमकी दी थी। यही नहीं, नागेश्वर के लोगों ने शिवालय कंपनी के कर्मचारियों को साइट पर आकर वसूली संबंधी पर्चा देते हुए पैसा नहीं देने पर गोली से भून देने की धमकी भी दी। धमकी के बाद शिवालय कंपनी के मैनेजर ने सिटी कोतवाली जशपुरी में संबंधित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मैनेजर के रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली पुलिस ने अपराध पंजीकृत कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि कुनकुरी से शंख तक करोड़ों की लागत से लगभग 67 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण शिवालय कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने इश्तियाक उर्फ नागेश्वर के साथ ही आरोपी हेमलाल बरगा और छोटू यादव को गिरफ्तार कर जशपुर न्यायालय में पेश करने की तैयारियों में है। एसपी ने बताया कि इश्तियाक पर पूर्व में थाना सिटी कोतवाली जशपुर में जन सुरक्षा अधिनियम, हत्या, अपहरण जैसे 10 से अधिक गंभीर अपराध दर्ज हैं। सोनक्यारी एवं थाना सिटी कोतवाली जशपुर में दो स्थायी वारंट भी हैं तथा जिले का निगरानी बदमाश भी है। इश्तियाक के झारखंड में भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आपको बता दें कि दूसरा आरोपी हेमलाल की मुलाकात जेल में इश्तियाक से साल 2010 में हुई थी, जिसके बाद से ही इश्तियाक के लिए गैंग बनाकर लेही वसूली करने का काम करता था। झारखंड राज्य के भरनो थाना एवं सिसई थाना से तथा 2012 में बिलासपुर में डकैती एवं थाना चंदेरा में लूट के मामले में भी जेल जा चुका है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।